हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूनिक चैनल। पता है ना नाम? कंसेप्चुअल स्टडी प्लेटफॉर्म CSP। ओके, देखो नाम लिखा है, नंबर लिखा है आपका सर का 7980389095। ओके, और एक बात तो हम कब से बता रहे हैं, आपको सुनना चाहिए सर का बात। ऑल्सो ज्वाइन ऑन टेलीग्राम फास्ट। गूगल में जाकर, ऐप प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लो, और उसके बाद क्या सर्च करना होगा? कंसेप्चुअल स्टडी ग्रुप। अच्छा, ये सर्च होगा तब ज्वाइन कर लेना। और उसके बाद क्या मिलने वाला है? स्टार्ट तो हो ही गया और आप लोग ज्वाइन करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करो जल्दी, तब PDF मिलने वाला है। ओके, और चैनल को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करो, तब तो आगे बढ़ो, ये जो कंटेंट मिलेगा ना तब तो मजा आएगा, तब तो मेरा जोर स्ट्रेंथ आएगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा। ओ लोग ले रहे, बंदा लोग ले रहे, तो फ्रेंड्स को बोलो सब्सक्राइब करो। चलो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट। ओके, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज अराइजेस ड्यूरिंग क्लास। ओके, चलो आज का क्लास क्या होने वाला है? ACF एंड LCM लिखा है, बट आज का मेन टॉपिक क्या है? ACF। ये जो बेसिक चीज है ना, ये एक बार ही समझने में, मतलब एकदम कूल दिमाग, ठंडे दिमाग से समझ लो, उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। बट उसके लिए क्या चाहिए? जो आज का टॉपिक होगा ना, वो ठीक से सुन लो और जान लो, और हो सके तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलो ACF। ACF का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? पता है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हैंडराइटिंग तो बहुत बढ़िया नहीं है ना, बट समझने के लिए काफी है। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखो ये किस लिए लिखा है? हम जो ही वर्ड आएगा ना मैथ में, उसको तोड़ो, उसको मोरो और उसको समझ लो। हाईएस्ट मतलब हाई, हायर, हाईएस्ट सबसे बड़ा, ठीक है। मान लो 5, 10, 13, इसमें से हाईएस्ट कौन होगा? 13, ऐसे करके। ओके, चलो उसके बाद क्या? कॉमन मतलब मान लो 10, तीन नंबर दिया है, ये तीन नंबर किससे जा रहा है? एक से भागा हो रहा है ना ये तीन नंबर, मतलब इसको ले लो, ये हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा? बट कॉमन रहना चाहिए, इसमें भी कॉमन रहना, इसमें भी कॉमन मतलब बाय द व्हिच सेंस कॉमन रहना चाहिए? डिविजिबल की तरह, मतलब डिविजिबल होना चाहिए, जो आएगा ये तीनों से डिविजिबल होना चाहिए, उसको ही कहते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है? सबका मिलाजुला रह, मतलब मिलना चाहिए, सबाई संगे मिल, सिमिलरिटी होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरिटी थकबे तब जाके बोले कॉमन फैक्टर। ओके, और फैक्टर माने कि गुण, कितना मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, कितना फैक्टर बन रहा है, कितना स्प्लिट करके इस ये नंबर को तोड़ के कितना नंबर आ रहा है, 2 × 5, 2 को तोड़ के 1 × 2, 5 को तोड़ के 1 × 5, these are called factor, got it friends? This is called highest common factor by in shortened form ACF, got it friends? चलो इसको डिलीट कर दे रहे। ये कुछ नहीं था, ये बेसिक ट्रेलर था, और इसके बाद लेसन स्टार्ट हो रहा है, ये चीज जाननी पड़ेगी आपसे। ओके, आज का क्लास ACF बेस्ड। देखो एक नंबर दिया है 33 और 44। एग्जामिनर क्या करता है ना, इसको बड़ा चढ़ा देता है। जस्ट आपको क्या पता होना चाहिए? बेसिक सवाल कैसे, तुरंत देख के ही हमको पता होना चाहिए कि इसका ACF क्या निकलने वाला है। ओके, 33 और 44 क्या हो रहा है? 33 और 44 का ACF आपसे मांग रहा है सर। इसको बाद चार ऑप्शन दे देगा, डाल देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके। बट आपको क्या, तुरंत इसको देख के देखो, एक प्रोसेस बता रहा है, ये प्रोसेस एकदम समझ लो। इसको पहले डिफरेंट करो, मतलब माइनस करो, 44 से 33 माइनस करके क्या हो रहा है सर? मैडम 11 हो रहा है ना। देखो हमने क्या बोला था, डिविजिबिलिटी होना चाहिए, मतलब भागा होना चाहिए जो ही प्रोडक्ट यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ इसको डिफरेंशिएट करके बाद क्या निकल रहा है? 11 निकल रहा है ना। 11 के साथ ये भी जाना पड़ेगा, ये भी जाना पड़ेगा, तब इसका ACF 11 होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, देखो 33 के साथ 11 तो जा रहा है ना, पूरा पूरी 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44। ओके, 44 तो मतलब इसका ACF क्या होने वाला है? 11। जब इसको माइनस करके दो कंसेक्यूटिव नंबर को माइनस करके एक नंबर आ रहा है, उसके साथ ये दो ही नंबर जिसको ACF मांगा है वो जा रहा है ना, तब वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं आएगा तो तब क्या करना होगा? इसको फैक्टर बनाना पड़ेगा, तब यहां से पता चलेगा। जब जितना एग्जाम्पल दिया है ना, सब क्लैरिफाई हो जाएगा। बट पहला वाला सवाल समझ में आया ना? समझ में आया? चलो आगे बढ़ो। तो इसका आंसर क्या होगा? 11। 11 किस लिए हो रहा है? देखो 11 के साथ 33 भी जा रहा है, 11 के साथ 44 भी जा रहा है, और हाईएस्ट यही तो बड़ा नंबर है ना, इससे बड़ा कोई नंबर इससे कटेगा नहीं। गॉट इट फ्रेंड्स? चलो
एक नंबर सवाल गया, तो एक नंबर सवाल का आंसर क्या आ रहा है, 11। यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं 11। चलो नेक्स्ट देखो, 66 और 44, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो 66 और 44, पहले क्या करना होगा, ACF होगा, ACF find ACF of 66 and 44, पहले इसका माइनस कर लो, 22 तो आएगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है 22 होगा। बट सर, सर आपने तो बताया, क्या बताया, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, क्या इससे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, ये तो क्लियरली पता चल रहा है, 22 के साथ 3 गुना होगा तो क्या आएगा, ये आएगा, 22 के साथ 2 गुना होगा तो 44 आएगा, तो मतलब ये पूरा पूरी जा रहा है 3 से, ये पूरा पूरी जा रहा है 2 से, तो आपका आंसर तो 22 ही होने वाला है ना। हाँ सर 22 ही होगा, आंसर लिख लो 22, ये तो डायरेक्ट पता चल गया। बट सर इसको तोड़ना होगा, इसको तोड़ने का अभी जरूरत नहीं है, बट जस्ट बता रहा है, देखो इसको तोड़ के क्या आएगा, 2 × 11। ओके फ्रेंड्स, ये भी तो 22 को तोड़ के क्या आने वाला है, 2 × 11 भी तो 22 हो सकता है, बट यहाँ पर आंसर 11 नहीं होगा जैसा पहले था। ओके फ्रेंड्स, किस लिए नहीं होगा, ये तो छोटा हो जा रहा है, देखो 11 तो 22 से बहुत छोटा है ना, हाफ, इसका हाफ है, 22 का हाफ है क्या 11, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, बट ये दो नंबर इससे भी जा रहा है, इससे भी जा रहा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या चाह रहा है, ACF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा नंबर, 22 तो बड़ा नंबर है ना। गॉट इट फ्रेंड्स, समझ में आया, अच्छे से आया, चलो तो इसका आंसर क्या होगा, 22, इसका आंसर क्या होगा, 11। चलो नेक्स्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बट इसी तरीके से समझनी होगी, तब तो आएगा मजा, तब तो मिलेगा जॉब, ठीक है। ये जो चीज हो रहा है ना, ये SSC, PSC, रेल, बैंकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ एग्जाम। ओके फ्रेंड, जब भी मैथ का सवाल आएगा ना, तब ये बेसिक सवाल एक ना एक आएगा ही आएगा, गिरेगा ही गिरेगा। चलो तीन नंबर सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट ट्राई, कैन यू ट्राई, ओके, बट एक मिनट टाइम ले लो, पॉज कर दो वीडियो, आप पहले आंसर करो, उसके बाद कॉमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना, बट इसके पहले देख लो, आप पहले पॉज कर लो, उसके बाद खुद आंसर दो, ठीक है, ट्राई टू योर सेल्फ, ट्राई बाई योर सेल्फ। ओके चलो, 923, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 923 एंड 949, देखो आपका फॉर योर एडवांटेज ये नंबर क्या कर लो, ये बड़ा पहले लिख लो और ये छोटा बाद में लिख लो, तब माइनस करने इजी हो जाएगा, तब जल्दी जल्दी सब्सट्रैक्शन होने वाला है, ठीक है। चलो माइनस करो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके साथ इसको माइनस करके 6 हो रहा है, 9 के साथ 3 और 4 के साथ 2, 26, यही तो हो रहा है ना, गलती तो नहीं किया, यही हो रहा है। चलो 26 आ गया सर, 26 से ये जाएगा या ये जाएगा, देख के कैसे पता चलेगा 26 से जाएगा कि नहीं, इसको तोड़ दो, आपके आपको जल्दीबाजी होगा, आपको एडवांटेज मिलेगा, इसको पहले तोड़ दो, তোমাদের কি হবে, সুবিধা হবে, কেন, কারণ এটা তো বড় নম্বর, এই নম্বরটাকে দিয়ে এটা যায় কিনা দেখতেও পারো, বাট এটা দিয়ে এটাকে যাবে না, কেন, দেখো এখানে করে নাও, নাইন যদি মনে হয়, ফর ইউর ইফ দ্য কনফিউশন অ্যারাইজেস দেন ইউ চেক ইট আউট। ওকে 26 তিন কত দিয়ে যাচ্ছে, তিন দিয়ে যাচ্ছে, 3 × 18 = 1, 3 × 6 = 6, 3 × 18 = 1, 3 × 6 = 7, আর তো যাবে না, তার মানে কি হচ্ছে 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 17, 18, 19, না কোনোদিনই এটা দিয়ে যাবে না, কারণ এর নাম্বারে কোনোদিনই 9 আসবে না, দেখো তুমি 4, 6, 24, 5, 6, 30, 7, 8, 7, 6, 42, 8, 6, 48, 9, 6, 54 আসছে না, 23, 3, 6, 18, 1, 3, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 17, 18, 9, হ্যাঁ नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है का मतलब देखो दो ही नंबर जाना पड़ेगा, ये भी, ये नंबर भी जाना पड़ेगा, ये नंबर भी जाना पड़ेगा, किससे, इससे, बट ये तो नहीं जा रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, उसी के लिए क्या हम झट से क्या बोला, तोड़ दिया, ठीक है। आपको भी एग्जाम में ऐसे प्रोसेस में ही जाना होगा, आगे बढ़ना होगा, तो क्या किया, 26 को तोड़ दिया, 2 × 13, देखो 2 का डिविसिबिलिटी रूल तो हम पहले क्लास में ही बता दिया, द्वियत डिविसिबिलिटी रूल की बोले दिए, हमें क्लास से आगे ही बोले दिए, ওই জন্য আমি বারবার বলছি, আগের ক্লাসগুলো দেখো তবেই না এর মজা আসবে, তবে এটা বুঝতে পারবে। দেখো দুয়ের ডিভিসিবিলিটি রুল আমি আরেকবার বলেছি, কি বলেছিলাম, লাস্ট ডিজিটটা দুয়ের দুই কে ভাগ যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, কি করে জানতে পারবো, লাস্ট ডিজিটটা কি থাকবে, 2 থাকবে, নয়তো 0 থাকবে, নয়তো এমন একটা নাম্বার থাকবে যে নাম্বারটা দুয়ের টেবিলে চলে আসছে, হয় 4, হয় 8, হয় 6, বাট এর মধ্যে দেখো 9 আর 3 কোনোটাই নেই, তাহলে 2 দিয়ে 2 তো অ্যান্সার হতে পারে না, 2 ইসকা অ্যান্সার নেই হলে মানে, ওকে তো ক্যা অ্যান্সার হোগা স্যার, 13 এক্স্যাক্ট। কিস লিয়ে হাম ইতনা জোর দে রাহে, অর কোই তো নাম্বার মিলনে ওয়ালা হ্যায় নেই, অর আপ ডিভিসিবল মতলব ভাগা ভি কর সকতে হো, দেখো ইয়াহ পর হাম ভাগা কর দে, 949 কে সাথ 13 যা রাহা হ্যায় কি নেই, 13 সাথে 91 অর কিতনা আ রাহা হ্যায়, 13 3 39, পুরা পুরি কাট রাহা হ্যায়, দেখো
तेरा के साथ पूरा पूरी जा रहा है 73, ठीक है 73 एक नंबर तो गया, और उसके बाद ये भी चेक कर लो 923 जा रहा है कि नहीं तेरा के साथ, तेरा एकम तेरा साथ 91 एक तेरा, तेरा एकम तेरा मतलब 71 इसके साथ, हाँ इसके साथ 71 इसके साथ भाग करके 71 आ रहा है, इसके साथ 73 गॉट इट फ्रेंड्स। तो आपका आंसर क्या होगा 13, मतलब क्या मतलब एक नंबर के साथ दो ही चीज जा रहा है, किस कौन कौन जा रहा है जिसको एसीएफ करने के लिए वो बोला है, 949 भी जा रहा है 923 भी जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा 13 गॉट इट फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाइन, तो आंसर क्या होगा 13, 12 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, समझ में आया फ्रेंड्स, समझ में आया, चलो नेक्स्ट सवाल आगे बढ़ते, चलो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट सवाल जल्दी देखना, ये तो पूरा अच्छे से समझ दिया, मतलब आस्ते आस्ते बोलेछी, आशा करी बुझते पेरेछो, जदि ना बुझते पारो कमेंट सेक्शने कमेंट करो, उससे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, आर की डू सब्सक्राइब मस्ट माय चैनल, जदि ना सब्सक्राइब करो ताहले ए वीडियो आमाके बंद करते होबे, कारण तोमादेर जदि इन्सपिरेशन ना पाई ताहले आमार की करे इन्सपिरेशन होबे, गॉट इट फ्रेंड्स आईडिया, चलो नेक्स्ट फाइंड एसीएफ ऑफ 973, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी देख लो 973 782 और क्या 775, देखो फ्रेंड्स इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी, देखो ये तो बहुत तीन नंबर का दिया है एसीएफ, तो जल्दी करने का तरीका क्या है, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, इससे बहुत दूर में इसका मतलब देखो एट थे अनेकटा दूर है 973 आछे ना, ताहले की होच्छे 782 और 775 जे नंबर गुलो काचाकाची आछे, जो नंबर सामना सामनी है ना मतलब नियर बाई है, उस नंबर को पहले उठा लो, ठीक है उस नंबर को उठा लो, मतलब 782 को पहले उठा लो, उसके बाद 775 को उठा लो, मतलब ये नंबर बहुत दूर है ना, इसको सब्सट्रैक्शन करने में थोड़ा दिक्कतें आ रहा है, आ सकता है, बट उसी के लिए इसको मत देखो, ठीक है इसको मत देखो, मतलब इसको ले लो 782 775 इसका डिफरेंट करो, इसका डिफरेंट करने के बाद क्या होगा, क्या होने वाला है देखो 6 7 8 9 10 11 12 सेवन आ रहा है, सेवन ही आ रहा है, ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, सेवन आ रहा है, और कुछ मत देखो, मतलब सेवन से जा रहा है कि नहीं ये पूरा नंबर देख लो, ये भी हम बता दिया डिविजिबिलिटी का रूल में, सात से कौन कौन सा नंबर जाता है, ट्रिक्स ऑफ सेवन डिविजिबिलिटी रूल, ये पहले वीडियो में आ गया, वो देख लो थोड़ा, ठीक है तब तो पता चलेगा सात से ये नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो एक बार एक बात हम बार बार वीडियो में नहीं बताएगा, जो बात पहले बता दिया, क्योंकि इसमें टाइम भी जाएगा, इसमें इसमें भी घटा पड़ जाएगा, ठीक है तो आपको वीडियो देखना मैंडेटरी है, वीडियो आगे वाला वीडियो नहीं देखेगा तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा, हाँ आएगा बट वो भी ऊपर ऊपर जाएगा, ओके फ्रेंड्स चलो देखो सात से तो ये भी नहीं जा रहा है ये भी नहीं जा रहा है, तो क्या होगा सर, सात से तो ये भी नहीं जा रहा है ये भी नहीं जा रहा है तो क्या होगा सर, तो इसके बाद इसको भी तोड़ो, सात को तोड़ने के बाद क्या आएगा 1 × 7, देखो 1 से तो सब नंबर ही जाता है ना, 1 से ये भी जाएगा ये भी जाएगा ये भी जाएगा, आज तक कोई भी नंबर ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो 1 से नहीं जाता है, ओके तो 1 से तो ये सब नंबर जा रहा है, तो क्या आंसर होने वाला है 1, हम तो पहले ही बता दिया सबके साथ जो नंबर जाएगा वही आपका एसीएफ बनने वाला है, ओके फ्रेंड्स। और एक बात देखो आप आपका मन में कुछ डाउट अराइज होने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पर तो आप बोल सकते हो देखो सात तो सर बड़ा नंबर है, एक तो छोटा नंबर है, आपने बोला एसीएफ, एसीएफ का तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो बड़ा नंबर चाहिए, तो देखो फ्रेंड्स मैंने तो ये भी बोला था जे बड़ा नंबर के साथ सबको जाना पड़ेगा, यहाँ पर तो सात से भी सबको नहीं जा रहा है, उसी के लिए तो तोड़ा, उसी के लिए आंसर क्या है 1, दैट इज योर आंसर, गॉट इट फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट सवाल, ये पहले देख लो आपका ये चीज डिलीट हो गया, टेलीग्राम ग्रुप फिर से लिख दिया, पीडीएफ मिलने वाला है, ओके चलो नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी 5-6 बार एग्जाम में दिया था, ठीक है यही सब सवाल ही देते हैं एग्जाम में, बहुत बार बार देता है ये, 10 बार 11 बार एसएससी में आ चुका सवाल, रेलवे पीसीए पीएससी बार बार, चलो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अच्छा ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट ये पूरा सिमिलर टर्म है, ठीक है इसको आपको समझनी पड़ेगी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड 403 व्हिच डिवाइड 403 527 और 589 लिविंग नो रिमाइंडर, मतलब बोल रहा है कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर है जिसके साथ ये तीन भागा होगा तो कोई रिमाइंडर कोई शेष नहीं बचेगा, इसका तुरंत 10 सेकंड का अंदर आंसर मिलने वाला है, 10 सेकंड, 10 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, 60 सेकंड नहीं, सिर्फ 10 सेकंड, कैसे देखो पहले हम क्या बता दिया सर मैडम, क्या बता दिया, जो सामना सामने आपको नंबर दिख रहा है ना
उसको पहले माइनस कर लो। देखो ये और ये सामना सामनी मतलब काछा काछी नंबर देखते पाच्छो ना, ताहले की करो 589 এর সঙ্গে 527 মাইনাস করে নাও, কত হচ্ছে 892 আর কত 6 62 হচ্ছে না, 62 हो रहा है, सबको नजर में आ रहा है 62। चलो इसको लिख लो, इसको डिफाइंड करने के बाद 62 आ रहा है। देखो ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, इसको भागा करेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और आपको दिक्कतें कंफ्यूजन भी आ सकता है, तो इसको पहले तोड़ दो। 31 इंटू 2 कितना हो रहा है सरल मैडम, 62 हो रहा है ना। देखो अभी कितना आसान हो गया तरीका, मतलब 31 से ए जा रहा है और ए जा रहा है, ए जा रहा है कि देख लो, दो से तो ये सब कोई नहीं जाएगा। देखो तीन लास्ट में रहेगा तो दो से नहीं जाएगा, तो दो आंसर नहीं बनेगा। जस्ट एक बार चेक कर लो, दो से तीन नहीं जा रहा है तो दो आंसर नहीं बनेगा, सब कुछ जाना पड़ेगा जो फैक्टर हो रहा है, ठीक है। 31 से ये जा रहा है, जरूर जा रहा है, इसलिए हम इतना जोर से बोल रहे हैं। देखो 31 एकम 31 9 और 3 देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा, 93, तो इसका तो आंसर मिल गया। और चेक कर लो, जस्ट आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा 31 के साथ 527, 31 एकम 31 1 और 2 7217 70, तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। इसको भी देख लो, इसको क्यों छोड़ेगा, इसको तो कष्ट होगा, दुख मतलब दुख होगा, तो इसको भी देख लो 589 31 के साथ 31 एकम 31 और 7 9 9 31 279, सब कुछ जा रहा है। ये सब कुछ करना ही मत, ये सब कुछ करना ही मत, कैसे करेगा, 919 देखो आ गया, 717 आ गया, और उसके बाद इसको डिवाइड कर ले जस्ट एक बार, क्योंकि हम पूरा दिखा रहे हैं ना, एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी के लिए सबको कर दिया। तो आपका आंसर क्या होने वाला है इसका, 31 आपका लास्ट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा ये आपका क्या होगा, ये आपका होमवर्क करो, ये आपका होमवर्क करो, ठीक है, होमवर्क सवाल। हो सकता है मेरा जो बताया आज पूरा चीज लेसन में कहां पर दिक्कतें पैदा होने वाला है, ठीक है। इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग माई क्लास प्रोसेसिंग, देन यू कॉमेंट इंस्टेंटली, ओके। आपको कमेंट करना पड़ेगा, और आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट, ओके। और इसको क्या, इसको होमवर्क की तरह ले लेना, हमको लग रहा है आपको तो समझ में आ ही गया, ठीक है लेसन। चलो आज तक दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।